वेलकम बैक एवरी वन। यूपीटर पलसी लोअर सबऑर्डिनेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 99 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। ये है टेस्ट नंबर 100। इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से रिवीजन करते रहना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर है लिवर, यकृत। तो यकृत जो होता है वो एल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। अत्यधिक दारू पीने से या एल्कोहल का सेवन करने से लिवर खराब हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग क्रोमोसोम या गुणसूत्र नहीं होते? किसमें नहीं होते लिंग गुणसूत्र? बंदर में भी होते हैं, चीता में भी होते हैं, तितली में भी होते हैं, लेकिन छिपकली में नहीं होते। तो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारित पर्यावरणीय ताप से होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई जीन कहलाती है। देखिए, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती हैं। और जीन जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक का स्रोत है? कौन सा है इसमें से जैव उर्वरक का स्रोत? ये हो जाएगा एजोला। तो एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की होती है। देखिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं। छठा प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है, फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा होता है। देखिए, स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी में प्राणी जगत के जो लोग होते हैं उसके जो समूह को कहते हैं, स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं। और इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो अत्यंत विकसित होती हैं। यह कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, बताइए? इनमें से क्या जल से हल्का है? तो सोडियम इसमें जल से हल्का है। देखिए, सोडियम का अपेक्षित घनत्व 97 होता है। यह जल से हल्का होने के कारण जल में तैरने लगता है। कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है? स्टील एक मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, ब्रांज मिश्र धातु है, लेकिन तांबा मिश्र धातु नहीं है। देखिए, तांबा तत्व जो होता है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्रित धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल ब्रांज तथा स्टील मिश्र धातु हैं। कौन कौन सी? पीतल ब्रांज तथा स्टील। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पड़ता है फीका पीतल का रंग? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का फीका पड़ जाता है। दसवां प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा बढ़ाओगे? कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा? देखिए, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है अगर स्टील में आपको कठोरता लानी है। तो इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक
मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं, इस्पात उतना ही अधिक कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। कार्बन मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंग रहित लोहे बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी? यह क्रोमियम, इसको बोलते हैं ना स्टेनलेस स्टील। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का उत्पादन किया जाता है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है रक्त, तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा, लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियों का अध्ययन तो किया नहीं जाता, पादप कलम बनाना या लगाना जल संरक्षण में नहीं, मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स में। तो हाइड्रोपोनिक्स देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, और यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें पौधों में पौधे उगाए जाते हैं, जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, मतलब पानी में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है या कीटाहारी पादप है? इसको कीटहारी लिख लो या कीटाहारी लिख लो, कौन सा है? कौन सा है? यह है घटपर्णी। तो घटपर्णी जिसको बोला जाता है पिचर प्लांट, पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में इसका नाम आता है, और घटपर्णी में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से भरे होते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाएगा? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम तो गौसमियर रेशम कहलाता है। क्या कहलाता है? गौसमियर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम है वो गौसमियर रेशम कहलाता है। 17वां प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या आएंगे? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु या सर्वभक्षी? प्रथम पोषक स्तर किसका होता है? हरे पौधों का होता है। तो क्या आएगा? प्लांट आएंगे इसमें। तो वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषण या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग की लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, और क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। मरुभूमि के बाद अब अधिकतर होते हैं शाकीय, विषमपर्णी, मांसल या बीबीपेरस? ये होते हैं मांसल। ये मरुभूमि के बाद नहीं होगा, देखिए मरुभूमि के पौधे यहाँ होना चाहिए, मरुभूमि के पौधे अधिकतर होते हैं, तो मांसल। देखिए मरुभूमियों में पाए जाने वाले पौधे कुछ पौधों के कुछ भाग को संचरित करने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है अफीम? ये बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है अफीम। तो अफीम पौधों के दूध मिल्क को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक फल में चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो कि निकलकर सूख जाता है। तो बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है।
हेरोइन प्राप्त की जाती है किससे? देखिए वो वाली हेरोइन नहीं है, कटरीना करीना बिपाशा। हेरोइन मतलब अफीम, पोस्त। तो हेरोइन प्राप्त की जाती है अफीम मतलब पोस्त से, इसको स्लैश लगा दो बीच में। तो हेरोइन अफीम स्लैश पोस्त से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। देखिए 20 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे। सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, बेल आइकन को प्रेस रख लेना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि सही समय पर मिल जाए। एक लाइक कर देना अगर टेस्ट पसंद आता है तो। इस टेस्ट में शब्दों की त्रुटियां हो गई हैं, ध्यान रखा जाएगा कि आगे से ना हो। धन्यवाद।